بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين dear viewers and listeners Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Quran Suniye aur Sunaye ke saath aapka mezban Muhammad Suhail Raza Amjadi aapki khidmat mein hazir hai. Nazim wa samain aap jante hain ki hum program ka aghaz Quran o Hadith ki baat se kiya karte hain aur chunke Nazim Eid ul Azha ke ayyam hain माह ज़िलहज्जा का पहला अशरा जारी व सारी है. आप लोग कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में जो है वो मसरूफ़ होंगे, कोशा होंगे. किसी का प्रोग्राम होगा कि मैं आज ले लूँ, किसी का प्लान होगा कि मैं कल परसों ले लूँ, एक दो दिन पहले ले लूँ. तो नाज़रीन इसमें ज़रूरी है कि हमें इल्म होना चाहिए कि कुर्बानी जो है वो किस पर वाजिब है और किस पर नहीं है. और इसी तरीके से नाज़रीन ये भी मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी के किन किन जानवरों की, यानी कुर्बानी किन किन जानवरों की होती है और किन किन जानवरों की नहीं होती. तो मैं इख्तिसार के साथ इंशाल्लाह रोज़ाना हम जब तक ये अय्याम है तो मैं इब्तिदान कुछ न कुछ कुर्बानी के हवाले से अर्ज़ करूँगा. कुर्बानी नाज़रीन किस पर वाजिब है? नंबर एक कि मुसलमान होना ज़रूरी है. ज़ाहिर है कि मुसलमान होगा तो उसी पर कुर्बानी वाजिब होगी. और नंबर दो ये है कि नाज़रीन वो साहिब इस्तेताअत हो, साहिब निसाब हो. और ज़ाहिर है कि जिसके पास अगर सोने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7.5 तोला सोना और फ़कत चांदी के हिसाब से देखा जाए तो 52.5 तोला चांदी उसके पास अगर है. और ज़ाहिर है कि ज़कात के निसाब में साल का गुजरना शर्त है, लेकिन इसके निसाब में साल का गुजरना शर्त नहीं है. तो अगर सोने के हिसाब से हो तो 7.5 तोला, चांदी के हिसाब से हो तो 52.5 तोला चांदी उसके पास होना ज़रूरी है. और अगर नाज़रीन मिक्स निसाब है, थोड़ा सा गोल्ड है, यानी यूँ समझ लें कि एक हार है गोल्ड का, आधा तोला या 1 तोला गोल्ड है और थोड़ा सा जो है वो सिल्वर भी, चांदी भी उसके पास है, अगर मिक्स निसाब है और थोड़ी सी रकम भी है तो भी सब मिलाकर देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी के हिसाब से ये रकम बनती है या नहीं. अगर बनती है तो वो साहिब निसाब होगा, नहीं बनती तो साहिब निसाब नहीं होगा. फ़कत सोना हो तो सोने के एतबार से, फ़कत चांदी हो तो चांदी के एतबार से. मिक्स निसाब हो या आपके पास सोना चांदी नहीं है और रुपीज़ है, माल है, तो फिर देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर उसका माल बनता है तो उस पर ज़कात होगी. इस पर साल गुजरना शर्त नहीं. दूसरा ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा, ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा, ज़रूरियात के अलावा जो उसके पास माल है तो उसका हिसाब व किताब लगाया जाएगा. और इसमें साल गुजरना शर्त नहीं है. मिसाल के तौर पर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं था, शरई फ़कीर था, लेकिन ईद उल अज़हा की रात को या ईद उल अज़हा की सुबह को उसके पास कहीं से इतना माल आ गया जो 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर बनता है तो उस पर नाज़रीन फ़िलफ़ौर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी. और कुर्बानी जो है ये मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, साहिब निसाब हो तो उन पर कुर्बानी वाजिब होती है. ये बात भी याद रहे कि आजकल ये भी कहा जाता है, कुछ लोग जो कम फहमी की बुनियाद पर कहते हैं कि जी घर का सरबराह अगर कुर्बानी कर ले तो वो सबकी तरफ से हो जाती है. यानी एक बकरा उसने लिया और अब वो कुर्बानी सबकी तरफ से हो जाएगी. तो ऐसा कहना दुरुस्त है या नहीं,
तो याद रखें कि घर में जितने भी अफराद बालिग हैं, क्योंकि अब इस पर भी बहस है कि नाबालिग अगर साहिब निसाब हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है या नहीं। बहरहाल मशहूर फतवा यही है, मशहूर कौल यही है कि बालिग या बालिगा यानी मर्द और औरत बालिग हों तो साहिब निसाब हों तो उन पर कुर्बानी वाजिब होती है। अच्छा, अब साहिब निसाब घर में बहुत से अफराद हैं, तो अब एक शख्स ने कुर्बानी कर ली सबकी तरफ से हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। एक बंदा कुर्बानी करेगा तो उसी की होगी जिसका निसाब है, और बाकी जो साहिब निसाब हैं तो वो अपने अपने एतबार से कुर्बानी करना उन पर वाजिब है। ये एक मुख्तलिफ बात है कि एक घर का सरबरा है और वो और उसकी जो जोजा है वो भी साहिब निसाब है, तो अब घर का सरबरा उनकी तरफ से करना चाहता है तो अब उससे उसे कह कर के जी मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, तो वो कहें कि ठीक ठीक है कर लीजिए, तो अब जायज़ है, अब हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह घर का सरनी बेटा है और माँ बाप हैं तो वो माँ बाप की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, वो भी साहिब निसाब हैं लेकिन वो कहता है कि जी ठीक है मैं आपकी तरफ से कर देता हूँ, उनसे इजाज़त ले ली तो ठीक है बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर ये उस सूरत में होगा, ऐसा नहीं कि एक बकरे में सबका हिस्सा हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि मिसाल के तौर पर गाय ली है, अब जिसका निसाब था उसका एक हिस्सा हो गया, अब बाकी छः हिस्से बाकी बचे हैं ना, तो अब इसमें ये हो सकता है कि वो बीवी से कह दे कि भाई आपका हिस्सा भी इसी में है, बीवी कह दे ठीक है, माँ बाप से कहे कि जी आपका हिस्सा भी इसी में है, बालिग औलाद है वो साहिब निसाब है तो उनसे कहे कि जी आपका हिस्सा भी इसी में है, तो सात हिस्से इस तरीके से पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी उनकी तरफ से उनको बताना ज़रूरी है तो, और बालिग हों तो उनसे इजाज़त भी ज़रूरी है। लेकिन ये बात याद रहे कि एक बकरा लेकर या एक हिस्सा हो और कहे कि ये सबकी तरफ से हो गई तो ऐसा नहीं हो सकता। एक सवाल ये भी होता है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका दुरुस्त है या नहीं है, मैं इसकी मिसाल आपको दूँ। मिसाल के तौर पर आपने ऊँट लिया, गाय ली, बैल वगैरह लिया, तो अब उसमें सात हिस्से हैं ना, तो आपके यानी जो हिस्से बनते हैं वो पांच बनते हैं, ठीक है ना, अब दो हिस्से बाकी बच गए, सही है, अब दो हिस्से जो बाकी बचे उसमें अकीका कर सकते हैं, तो लड़का हो तो दो हिस्से सुन्नत है, एक हिस्सा भी कर लें तो हो जाएगा, लड़की हो तो एक हिस्सा सुन्नत है, तो इस तरीके से जो हिस्से बाकी बच गए तो वो बतौर अकीका, किसी का अकीका नहीं हुआ है बच्चे का, तो उसके अकीके में वो शामिल कर सकते हैं, इसमें कोई शरई का बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि बकरा आपने लिया एक ही हिस्सा या गाय में एक ही हिस्सा है तो मैं बकरे की कुर्बानी भी कर रहा हूँ उसी हिस्से में और कहूँ कि जी मेरे बच्चों का अकीका भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हिस्से बाकी बचते हों तो उनको शामिल कर सकते हैं अकीके में, इसमें कोई शरीका बात नहीं, और उसका हुक्म यही होगा कि गोश्त खुद भी खा सकते हैं, औरों को भी खिला सकते हैं, सारा खुद भी रख सकते हैं, सारा औरों को भी खिला सकते हैं, कोई मसला इसमें नहीं है। नाज़रीन, इंशाल्लाह मैं मज़ीद अर्ज़ करूँगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है।